subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी छात्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। आठवीं कक्षा में विषय हिंदी में अब तक हमने एकम एक से पांच का अभ्यास कर लिया है। आज हम कविता छह का आगे का अभ्यास करेंगे। इस कविता का नाम है तूफानों की ओर। कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगतपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया है। कार्य करके अनेक देशों की यात्रा की है। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिलोल जीवन के गांव, युग का मोड़, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठों की बंधनवारे, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता ने कवि शिव शंकर शिव मंगल सिंह सुमन सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती हैं तथा आगे बढ़ने के लिए हमें हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य को उजागर किया गया है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इस कविता में कवि सुमन ने, उसका उपनाम है सुमन, शिव मंगल सिंह सुमन। कवि सुमन ने मनुष्य को तूफानों की ओर जाने के लिए कहा है। जो नाविक है, नाव चलाने वाले, नाविक किसे कहते हैं, जो नाव को चलाते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। निज यानी कि उसकी होता है पतवार, जो नाव चलाने के लिए जो चप्पू होता है उसे पतवार कहते हैं। कवि नाविक को समुद्र में, सागर में जिस तरह तूफान है, उसी तरफ अपनी नाव को ले जाने के लिए कहते हैं। आज सिंधु ने रीस उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज समुद्र ने, सिंधु ने, सागर ने इतना तूफान किया है, सागर में इतना तूफान मचा है कि पूरे के पूरे सागर में विष उगला है। आज सिंधु ने विष उगला है, तूफान रूपी विष उगला है। सिंधु ने, सागर ने विष को, समुद्र में से विष को उगाला, जो उगला यानी कि ओपना। आज समुद्र ने विष उगला है, पूरे के पूरे समुद्र में
जहर की तरह जो तरफ तूफान मचा दिया है। लहरों ने भी यौवन मच रहा, और ये जो लहरों है जो समुद्र में लहरें उठी है, वो भी लहरें तुम्हारी नाव को मचल देना चाहती है। आज समुद्र पूरे समुद्र ने विष खोरा है, पूरे के पूरे सागर में तूफान मच गया है, और ये जो लहरें उठी है वो लहरें तुम्हारी नाव को मचल देना चाहती है, निगल देना चाहती है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, एक तरफ से सागर में ज्वार उठा है तूफानों का, दूसरी तरफ से मनुष्य के दिल में भी, कवि के हृदय में भी, दूसरी तरफ से कवि के हृदय में भी उस तूफान को वश में करने का ज्वार उठा है। ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ज्वार कहाँ कहाँ उठा है? एक तरफ से सागर में ज्वार उठा है तूफानों का, दूसरी तरफ से कवि हृदय में भी उस तूफानों को बस में करने का, हासिल करने का ज्वार उठा है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोड़ो। ये लहरें है, जो लहरें उठी है सागर में, वो अपने स्वर में कुछ बोलती है। जो लहरें उठी है वो अपने स्वर में कुछ बोलती है। तरंगे है, लहरें है, वो अपने स्वर में हमें पड़काती है सामना करने के लिए। ये लहर जो हमें बुलाती है तूफानों को सामना करने के लिए। इस लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस छोड़ो। अंधड़ यानी कि तूफान, जो आंधी और तूफान मचा है सागर में, उस सागर में तूफान जहाँ है वहां जाकर तुम्हारे अंदर कितना साहस है, कितनी शक्ति है, वो शक्ति को पहचानी है। तुम्हारे अंदर कितना साहस है वो तुम्हारे साहस को दिखाने के लिए तुम्हें तूफानों की ओर जाना होगा। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, मनुष्यों के जीवन में सभी प्रकार के प्यार मिलते हैं, लेकिन जो मुश्किलें आती है, तूफान आते हैं जीवन के अंदर, वो जो नसीबदार है, भाग्यवान है, उसे ही ऐसा प्यार मिलता है। और जिस तरह मनुष्य अपने जीवन में आने वाले सभी बाधाएं, सभी मुश्किलों में पीछे हटने से बदले उसके सामने जाकर उसका सामना करे, अपनी शक्ति उसे दिखा दे, तो जो मुश्किलें आप ही आप दूर हो जाते हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, यहाँ असीम निज सीमा जाने। असीम जिसकी कोई सीमा नहीं होती है उसे असीम जाता है। ये जो सागर है उसने पूरे सागर में तूफान मचा दिया, उसकी सीमा क्या है, उसकी मर्यादा क्या है वो खुद नहीं जानता है। आज उसने मर्यादा को छोड़ दिया है, इतना तूफान मचा दिया है पूरे के पूरे सागर में, उसकी मर्यादा को उसने तोड़ दिया है। सागर भी तो यह पहचाने, और सागर को भी यह पहचान ले कि आज मनुष्य ने भी जिस तरह सागर ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है और इतना तूफान मचा है, उसी तरह हम भी अपनी मर्यादा को छोड़कर एक बार सागर को दिखा देते हैं कि हमारे मनुष्य में भी, मानव में भी कितनी शक्ति होती है उसके तूफान को वश में करने की, उसके अंदर कितना आत्मविश्वास होता है, कितनी शक्ति होती है। आज हम भी अपनी शक्ति द्वारा सागर को बता देना चाहते हैं। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, जो मिट्टी का पुतला बना है ये मानव, वो अपने मानव शक्ति से कभी भी हार मानने वाला नहीं हो। आज तक किसी भी मनुष्य ने उसके मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानी है, न मुश्किलों को देखकर मनुष्य ने कभी भी पीछे हट नहीं किया है। वो अपनी शक्ति को आगे बढ़कर, अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़कर, आत्मविश्वास से आगे बढ़कर हमेशा मुश्किलों को सामने से हटा ही जा रहा है। तूफानों की ओर घुमा तो नाविक निज पतवार, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है।
सागर के पास जितनी शक्ति है, समुद्र के पास जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, वो अपनी सभी शक्तियों को बाहर ले आया है और पूरा का पूरा सागर में तूफान मचा हुआ है। एक तरफ से उसकी लहरों भी इस नाविक को निगल देना चाहती है, मचल देना चाहती हो, लेकिन सागर चाहे कुछ भी शक्ति अपनी बताए, आज कुछ भी क्षमता अपनी वो दिखाना चाहते हैं, वो दिखाते हैं, पर माझी भी कब थकता है, माझी यानी कि नाविक। लेकिन आज सागर के तूफान के पास जो नाविक है वो भी थकने वाला नहीं है। वो भी आज सागर को बता देना चाहता है कि नाविक के अंदर कितनी शक्ति है, कितना आत्मविश्वास है, वो अपने आत्मविश्वास से ही आगे बढ़ेगा। सागर में जिस तरह तूफान है उसी तूफान में ही वो अपनी नाव चलाकर सागर को बता देना चाहता है कि माझी भी कभी थकता नहीं है और कभी भी तूफान से डरकर वो पीछे हट नहीं करता। जब तक सांसों में स्पंदन है, स्पंदन यानी कि चेतना, जीव, प्राण, जब तक सांसों में स्पंदन है, जब तक उसके शरीर में प्राण है, जीव है, चेतना है, तब तक उसका हाथ नहीं रुकता। आज माझी भी सागर को बता देना चाहता है कि जब तक इस नाविक के दिल के अंदर प्राण है, स्पंदन है, चेतना है, जीव है, तब तक उसका हाथ है, ये हाथ पतवार को चलाने में कभी भी रुकने वाला नहीं है। और जिस तरह सागर में ज्यादा ही ज्यादा तूफान मचा है उस तरह वो आगे ही आगे बढ़ते जाने वाला है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार वो नाविक अपने आत्मविश्वास से, और जो उसके चेतना है, जब तक उसके दिल के अंदर प्राण है तब तक उसका ये शरीर है, ये शरीर दोनों हाथ आगे ही आगे नाव चलाने जाने वाला है, आगे ही आगे तूफान में चलने वाला है। वो उसी की शक्ति से ही वो आज सागर को बता देने वाला है कि ऐसा एक सागर नहीं, अगर इस नाविक के सामने अगर ऐसा सात सागर आ जाए, सातों सागर तूफान मचा दे सागरों में, तो भी ये नाविक एक नहीं, लेकिन अपनी शक्ति द्वारा, अपने विचारों द्वारा, अपने आत्मविश्वास द्वारा इसे सातों सागरों को अपने मुट्ठी में वश कर लेना। वो उसके अंदर इतनी शक्ति है और उसकी शक्ति को आज वो सागर को बता देने वाला है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अब हम इसका भाषांतर करेंगे। काव्य नामची तूफानों की ओर कवि सुमन ने, शिव मंगल जी सुमन ने उपनाम जे कवि सुमन ने नाविक ने एवं कहेलू छे કે હે નાવિક, આજે સાગરે તો સમુદ્રે તો નક્કી જ કરેલું છે કે આજે ખૂબ જ સમુદ્રની અંદર તૂફાન ઉપાડવું છે, અને આજે નાવિક છે ને નાવ ચલાવે છે સમુદ્રની અંદર, એને એક સેકન્ડ વારમાં જેને ઉગાડી નાખવો છે નાવની અંદર, જ્ઞાન ક્યાં જેને ઉગાડી નાખવો છે, તૂફાનના વંટોની અંદર લઈને એને મારી નાખવો છે, આજે સમુદ્ર એવું નક્કી કરેલું છે। પણ જેવી રીતે આ સમુદ્રની અંદર તૂફાન ઉપડેલું છે એવી જ રીતે કવિના હૃદયની અંદર મનુષ્ય પ્રત્યેની જે શક્તિ છે, નાવિકના દિલની અંદર જે શક્તિ છે, એ શક્તિનો જ્વાર પણ એક તરફ ઉપડેલો છે। આજે જેવી રીતે સાગરે નક્કી કરી લીધું છે કે આજે આખા સમુદ્રની અંદર તૂફાન ઉપાડવું છે, અને જે લહેરો છે, દરિયાના જે મોટા મોટા મોજાઓ છે, એ લહેરો છે, એને પણ નક્કી કરી લીધું છે કે એની લહેરોમાં આ નાવને એકદમ ફંગોળી નાખવી છે અને ઓગાળી નાખવી છે। એવી જ રીતે આજે કવિ નાવિકને સમુદ્રની અંદર જે જગ્યાએ તોફાન છે, વધારેમાં વધારે તોફાન, એ જ જગ્યાએ એની નાવને લઈ જવાનો કહે છે। પતવાર જે નાવ ચલાવવા માટેનું લાકડાનું જે ચપ્પુ છે, એ ચપ્પુને એ તરફ જ ફેરવવાનું કહે છે કે જે તરફ નાવ તોફાન છે એ તરફ જ તમે તમારી નાવને લઈ જાઓ। જેવી રીતે સમુદ્રએ આખા દરિયાની અંદર, આખા સાગરની અંદર જેમ જહેર ઘોળી દીધું છે, આખા દરિયાની અંદર જે તોફાન રૂપી જહેર ઘોળી દીધું છે, એવી જ રીતે
જે લહેરોએ પણ કે આખા લહેરો પણ એવું જ વિચારે છે કે નાવે ફિલોડી નાખવી છે, તો આજે નાવિકના દિલની અંદર પણ એવું જ તોફાન ઉભરેલું છે કે જે જગ્યાએ તોફાન છે એ જ જગ્યાએ મારે જવું છે, મારી અંદર કેટલી શક્તિ છે એ શક્તિને મારે માપવી છે, એ તોફાનને હું વશ કરી શકું છું કે નહીં, કે જે તોફાન છે એમાંથી હું મારો રસ્તો કાઢી શકું છું કે નહીં, એની મુશ્કેલીનો સામનો કરી શકું છું કે નહીં, એ મારી શક્તિને માપવા માટે મારે આજે તોફાનની અંદર જ મારી નાવને લઈ જવી છે. અને જે લોકો ભાગ્યશાળી હોય છે એવા લોકોને જેના જીવનની અંદર આવી અનેક પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે, બીજા બધી પ્રકારનો પ્રેમ તો મનુષ્યને જીવનની અંદર મળતો જ હોય છે, પણ અમુક માણસોને જ આવી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાનો પ્રેમ છે એ મળે છે. આ દરિયો આજે પોતાની જે ક્ષમતા છે, પોતાની જે સીમા છે એ ઓળંગી ચૂક્યો છે, એને એની મર્યાદાને છોડી દીધી છે, તો નાવિક છે એ પણ એની મર્યાદાને છોડીને એ દરિયા સામું સેજે નમતું મૂકવાનો નથી, એ પણ એની મર્યાદાને છોડીને આજે દરિયાને બતાવી દેવા માંગે છે કે માટીનો બનેલો માણસ છે એની અંદર કેટલી શક્તિ છે, અને એ શક્તિ દ્વારા એના દ્રઢ આત્મવિશ્વાસ દ્વારા એના જીવનમાં આવનારી દરેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાની શક્તિ એની અંદર છુપાયેલી રહે છે. અને આ જે માટીનો બનેલો માણસ છે એને ક્યારેય પોતાના જીવનની અંદર એકેય પ્રકારની કોઈ દિવસ હાર માનેલી નથી, તો આજે પણ હાર માનવાનો નથી. જેવી રીતે સમુદ્ર એની ક્ષમતા છોડી દીધી છે, તો નાવિક પણ થાકવાનો નથી, એ પણ જે જગ્યાએ વધારેમાં વધારે તોફાન છે એ જ જગ્યાએ નાવને ચલાવતો અને ચલાવતો જાય છે, અને એને આજે સાગરને બતાવી દેવું છે કે આ માટીનો બનેલો માણસ છે એની અંદર કેટલી શક્તિ છે. આવું એક સમુદ્રને, એક સમુદ્રનું તોફાને કદાચ ને જો માણસ ધારે ને, તો આવા સાત સમુદ્રએ કદાચ તોફાન ઉપાડેલું હોય તો પણ આ માણસ જો ધારે ને, જ્યાં સુધી એના અંદર છેલ્લા શ્વાસ રહે છે ત્યાં સુધી ખૂબ મહેનત કરે છે, આત્મવિશ્વાસને મજબૂત બનાવે છે, તો આવા સાત સાગર કદાચ તોફાન ઉપાડે ને, તો પણ એ માણસની માટે સાવ એને સામનો કરે માણસની માટે સાવ નાની એવી બાબત છે, ગમે એવા તોફાનોને પોતાના વશમાં કરી લે છે, પોતાની મુઠ્ઠીમાં સમાવી લે છે, કદાચ સાત સાગર ભેગા થઈને તોફાન ઉપાડે ને આત્મવિશ્વાસ જો મજબૂત હશે ને, તો કદાચ ગમે એવા તોફાન એના જીવનની અંદર આવશે ને, તો આસાનીથી પીછેહઠ કર્યા વગર એની મુશ્કેલીનો એ સામનો કરી શકે છે, એટલી શક્તિ એની અંદર છુપાયેલી છે. અને એ શક્તિને આપણે આત્મવિશ્વાસ દ્વારા, મહેનત દ્વારા જ આપણે બહાર લઈ છે. તો આમ આ કાવ્યની અંદર કવિએ મનુષ્યને જે શક્તિ છે એ શક્તિને ખૂબ જ બિરદાવી છે. હવે આપણે આના શબ્દાર્થ જોઈએ. નાવિક કા મતલબ હે નાવ, ચલાને વાલા, નિજ કા મતલબ હે અપના, અસીમ તો સીમાહીન, પતવા તો જપું, ક્ષમતા શક્તિ, જ્વાર કા મતલબ હે તૂફાન, સ્પંદન ચેતના, અંધળ આંધી, બલ પર સહારે, કુછ મુહાવરે હે, મુહાવરે યાને કે વિશેષણ હે, વિશેષણ બનાઈએ ઓર વાક્ય મેં પ્રયોગ કીજે, ઈમાનદારી શબ્દ હે, ઉસકા વિશેષણ હે ઈમાનદાર, ઈમાનદારી શબ્દ કા વિશેષણ હે ઈમાનદાર. અબ વાક્ય મેં એસા પ્રયોગ કિયા ગયા હે કે ઈમાનદાર જો વિશેષણ હે વાક્ય કમલેકર
हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।